अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारे पास एक ई रिक्शा का एक चार्जर आया है ठीक करने के लिए। वो कस्टमर का कहना है ये चार्ज ही नहीं कर रहा है, खाली बिलिंग कर रहा है। तो ये 58.4 वोल्ट का 13 एम्पेयर का चार्जर है, ये ओकाया का है। तो जब हमने इसमें चेक किया तो मैं इसको आपको दिखाऊँगा, या आप जब उसको हम लाइट पर कनेक्ट कर रहे हैं, जो आ रहा है अभी ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये कुछ 0-0 आ रहा है और ये बिलिंग कर रहा है। तो इसमें हमें अब ये देखना है कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, इसको खोला है अंदर से तो हमने देखा इसके जो कंपोनेंट्स है ये सब ठीक है। मैंने इसको मल्टीमीटर से चेक भी किया है तो ये सब कंपोनेंट्स ठीक है। लास्ट में मैंने जो इसकी ये वाली कॉयल है तो मैंने इसको देखा ऐसे कि ये हिल रही है। तो मैंने जब इसको चेक किया, ये देखिए जब मैंने इसको चेक किया अंदर से, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए मैंने इसको चेक किया अंदर से तो इसमें क्या है, इसकी जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए इसका जो कनेक्शन है वो टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये बोर्ड पे कनेक्शन ही नहीं है। मेन आउटपुट जो इसमें इसी से आ रही है, ये जो कॉयल होती है ये आउटपुट के लिए होती है। तो ये मैंने देखा यहाँ टूटा हुआ है, इसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली क्या होता है कि जो कॉयल होती है भारी होती है, ये थोड़ी भारी होती है, जब ये कुछ चार्जर हम हिलाते हैं ना या गिर जाता है हाथ से तो ये कट होती है ये कॉयल, इसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो गई। तो चलो हम इसको हम जोड़ के देखते हैं। मैंने इसको जो ये कनेक्शन था टूटा हुआ, मैंने जो ऊपर से वो तार थी जो, मैंने वो फिर से उठा दी इसको, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने वो वहाँ से हटा दी, एक सिरा बाहर निकाल दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। फाइनली गाइस हमने इसको जो ये कनेक्शन टूटा हुआ था तो ये हमने इसमें जॉइंट कर दिया, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये हमने इसको फिर से जॉइंट कर दिया यहाँ, इसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो गई थी, यह आप देख सकते हैं। ये देखिए क्योंकि ये कॉयल भारी होती है, ये चार्जर जब हिलता है ऐसे हिलता है, एक्चुअली इसमें एक ग्लू भी लगा होता है लेकिन वो हीट की वजह से ख़राब हो जाता है वो ग्लू, तब ये हिलता है। ये ग्लू इस पर ये आप देख सकते हैं ऐसा वाला ग्लू होता है, इस पर लगा होता है लेकिन ये हीट की वजह से वो बंद नहीं रहता है, फिर वो भी हिलता है। इसी की वजह से जब ऐसे हिलेगा तो उसकी वजह से ये कॉयल जो भारी होती है तो वेट होता है तो ये कनेक्शन टूट जाता है, इसकी वजह से ये चार्ज करना। अभी जो इसमें लाइट जो आ रही थी, अब देखते हैं इसमें फिर से कनेक्शन करके देखेंगे इसको, फिर से इसमें क्या रिजल्ट आ रहा है। ये देखिएगा ये सब देख सकते हैं, ये यहाँ पर अभी लाल था, रेड कलर का था, अब ये ग्रीन हो गया, इसका मतलब कि ये चार्ज पर आ गया। ये देखिए आप यहाँ से बिलिंग शो कर रहा है, ये देखिए 59.58, ये देखिएगा ये सब देख सकते हैं, ये देखिए 59 वोल्ट का आ गया है। तो इसका मतलब ये चार्जर ओके हो गया। शुक्रिया, ऐसे वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।